बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे लैस वाला गला। हम बनाएंगे लैस स्क्वायर पीसेस में, यानी कि इस लैस से हम बनाएंगे बॉक्सेस, और बहुत आसान करके हम लैस लगाएंगे सिंपल तरीके से, ज़्यादा उलझाएंगे नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लैस गुम सिलाई के साथ भी लगती है, सीधे साइड से भी लगती है। इस लैस को हम लगाएंगे सीधी साइड से, यानी कि गुम नहीं करेंगे, आसान करके लैस लगाएंगे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इस लैस के साथ ही डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो डिज़ाइन रेडी करने के लिए मैंने ली है कटवर वाली लैस। सबसे पहले इसको हम साइज़ करेंगे। तो गला कट करने के लिए और लैस को उसके बीच में भरने के लिए सबसे आसान तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, हमने लैस के दोनों साइडों को आपस में मिला लिया है, क्योंकि मैंने इसके बीच में ये लैस से बॉक्सेस देने हैं, जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमने इस लैस को बीच में से साइज़ करना है, जितनी हमने लैस लगानी है। तो इसका जो बीच का सेंटर आ रहा है, वो आ रहा है 1.5 इंच पर। ये है आसान तरीका 1.5 इंच साइज़ करने का। और एक साइड को अगर हम साइज़ करेंगे तो ये आ रही है हमारी 1.25 इंच पर। तो लैस को फिलहाल हम साइड कर देंगे और कट करेंगे अपना बुकरम। बुकरम पे जब हम बीच का हाला कट करेंगे तो उसका मार्जिन हम पहले ही निकाल देंगे। तो गला बनाने के लिए हमें लेना होगा बुकरम का पीस। मैंने बुकरम का पीस इस तरह फोल्ड में रखा हुआ है। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई साइज़ करके बताऊँगी। मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने रखी है 18.5 इंच। अब समझना ये है कि हम निशान लगाते हैं अपने गले का 3.5 इंच पर, यानी कि जो हमारा नॉर्मल साइज़ होता है वो हम लगाते हैं 3.5 इंच पर, मगर इसमें हम लगाएंगे 4 इंच पर, क्योंकि हमने अपनी लैस का जो मार्जिन है वो भी रखना है। 3.5 इंच वाले निशान से हम साइज़ करेंगे। यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ इसका 7.5 इंच पर, मगर यहाँ से हम निशान लगाएंगे इसका 8 इंच पर। अब इस 8 इंच वाले निशान को इस निशान से मिलाकर वी शेप देंगे। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मैं इसका निशान लगाऊंगी 18 इंच पर। 18 इंच पर हमने अपनी लैस को उतारना है। हमने इसको शेप देनी है, हमने इसको वी में नहीं रखना, बहुत ही हल्की से शेप देनी है। हम इसको पान शेप नहीं दे रहे, बस हल्का सा इसको इस तरह करके शेप देंगे और इसी के ऊपर हमने कटिंग करना है गला। अब हमने निशान लगाया था 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच के ऊपर आसानी के साथ हमने इसको इस तरह थंब की मदद से इंची टेप को प्रेस करना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिगनर्स के लिए हेल्पफुल होंगी, आई होप। ये देखें, ये इंची टेप के बीच में निशान आ गया है। अब इसी के बीच में हमने लगाते जाना है निशान। अब इस वाली ड्रॉ के ऊपर हम अपने गले को कट करेंगे। इस बुकरम को हम संभाल के रखेंगे, ये आगे चल के हमारे गले में दोबारा से काम आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो गला मैंने कट कर दिया है। अब इसको चिपकाएंगे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर, और इस वाले बुकरम को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये बुकरम का पीस मैं बीच में इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमारा गला ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा छोटा ना हो। ऐसा वो लोग करेंगे जो नए हैं सिलाई में। आपको ये डाउट होगा, यानी कि अक्सर बाज़ दफ़ा होता है हमारा गला ज़्यादा फैल जाता है, या तो साइज़ से बड़ा हो जाता है या साइज़ से छोटा हो जाता है। जब आप बीच का बुकरम इसके बीच में चिप रखेंगे और फिर अपना साइड वाला बुकरम चिपकाएंगे, तो आपका जो गला है जो साइज़ पे हमने कट किया था बिल्कुल उसी साइज़ के ऊपर आएगा। और मैं अपनी प्रेस को बाहर वाले बुकरम के ऊपर रख रही हूँ, बीच वाले बुकरम के ऊपर नहीं रख रही हूँ। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे इस तरह के हैवी गले बनाते हैं, बड़े बड़े गले बनाते हैं, आपको आइडिया है कि आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, तो आप लोग बीच का बुकरम हटा सकते हैं। जो लोग नए हैं, आप लोगों को अगर आइडिया नहीं हो रहा कि आपका गले का साइज़ छोटा बड़ा ना हो जाए, तो आपने इस बुकरम को बीच में ही रखना है, और जब ये बुकरम हमारा बाहर वाला चिपक जाएगा तो मैं इसको हटा दूंगी।
जैसे मेरा बाहर वाला बुकरम चिपक गया है, अब मैं इसको हटा दूंगी। अब ये हमारे लिए वेस्ट है, मगर इसमें ही हम एक डिज़ाइन और तैयार कर सकते हैं अगर टाइम निकला तो। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगी कि लूप्स और बटन वाला गला हम किस तरह बनाएंगे। इसी बुकरम को हम दोबारा से इस्तेमाल में ले सकते हैं, किस तरह लेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा कि हम सीखना चाहते हैं, तो मैं इसी बुकरम के ऊपर आपको एक और बेहतरीन सा डिज़ाइन बनाना सिखा दूंगी। अब मैंने इसको करनी है अच्छी तरह प्रेस, क्योंकि इसके बीच में है सिंपल कपड़ा, बनाते वक्त ये झोल आएगा इसके अंदर। अब गले की क्रिस लाइन को गले की क्रिस लाइन से मिलाकर एक रफ स्टिच करेंगे। तो गले को मैंने तुरपाई कर लिया है, अब लगाएंगे इस लैस को। लैस को लगाने से पहले इसमें हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, इससे हमारी लैस राउंड शेप में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। तो लैस जब हम लगाएंगे, हमारी ये जो नोक है इसके ऊपर हमारी ये वाली कटवर आनी चाहिए। तो लैस एक ही सिलाई में हमने इसके सेंटर में जो कपड़ा लगेगा वो भी लगाएंगे और लैस भी लगाएंगे। हम ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे कि पहले हम लैस के लिए सिलाई लगाएं फिर हम इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसके लिए सिलाई लगाएं। तो हमने लगानी है फैब्रिक ग्लू, फैब्रिक ग्लू हम लैस के ऊपर लगाएंगे। अगर आप एक ही सिलाई में कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से तो आप एक ही सिलाई में लगा लीजिएगा, मगर जो लोग नए हैं, जो लोग बिगनर्स हैं, वो लोग पहले फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप UHU लगाएंगे। UHU नहीं है आपके पास तो आपने सुई की मदद से इसको हल्का हल्का सा कच्चा करना है, यानी कि बड़े बड़े टाकों से इसको अटैच करना है, उसके बाद आपने फाइनल सिलाई लगानी है। तो मेरे पास फैब्रिक ग्लू है तो मैं इसमें अंदर ये लगा रही हूँ। तो इस नोक के बिल्कुल बराबर में इस नोक को रख कर इसको चिपकाऊँगी। तो लैस को दोनों साइडों से मैंने कवर कर लिया है, फिलहाल मैंने इसको UHU से कवर किया है, इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई। एक ही सिलाई में हमने फाइनल करना है, तो इसके बीच में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा मैंने इसे बुकरम के ऊपर रेडी किया है। इससे थोड़ा सा हमारा गला थिक हो जाएगा और बीच में सरवट नहीं आएगी। तो मैंने 2.25 इंच की चौड़ाई रखी है और 12.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। इसे भी हम फैब्रिक ग्लू से ही अटैच करेंगे और फाइनल सिलाई में अपने डिज़ाइन को कवर कर देंगे। फैब्रिक ग्लू कपड़ों के लिए, मोतियों के लिए और पैटर्न के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप सबने टेंशन नहीं लेनी इसके, कोई मतलब कपड़े पे ये नहीं शो होती। कमेंट्स आया था कि आप ही फैब्रिक ग्लू लगाने से हमारा कपड़ा ख़राब तो नहीं होगा, तो डियर ऐसी कोई बात नहीं है, आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा और ये होती ही फैब्रिक के लिए है। अब मैंने इसको सेटिंग से इसके ऊपर सेट करना है लैस को, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई, फिलहाल हमारे हाथ में ही है। मैंने इस एक्स्ट्रा कपड़े के बीच में क्रिस बना दी थी, इस क्रिस से हमने इस गले को मिलाना है, कटवर को मिलाना है।
आप इसको इस तरह मिलाएंगे। हमने अपने लेस के बॉक्सेस निकालने हैं, इस तरह बॉक्स। तो ये हमारे बॉक्सेस निकल गए हैं। अब हमने प्रेस करना है, प्रेस की मदद से जो नीचे की फैब्रिक ग्लू है वो चिपक जाएगी। तकरीबन हमारा 70% डिज़ाइन हो गया है कंप्लीट। तो गला हो गया है फाइनल। मैंने इस पर फाइनल सिलाई लगा के इसको कवर कर दिया है। एक ही सिलाई के अंदर मैंने लेस को भी कवर किया है और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था यानी कि जिसे हम बटन टैग कहते हैं उसे भी मैंने कवर कर दिया। अब बारी आती है इन स्क्वायर को आपस में अटैच करने की यानी कि इनको शक्कर पारे बनाने की। अब ऑप्शनल है, अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो आपने निडल के अंदर इसी कलर का धागा डालना है, इनकी नोकों को आपस में मिलाकर इनको इस तरह बॉक्सेस की शक्ल देनी है। अगर आप लोग ने पल्स का इस्तेमाल करना है तो बीच के अंदर एक एक पल्स लगा के उसे भी आप लोग अटैच कर सकते हैं। जैसे अब आपको बेटर लगेगा आपने वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। मैं आपको इसके ऊपर पल्स रख के दिखा रही हूं। अगर आपको पल्स सूट करेंगे तो आपने इसके नोकों के ऊपर पल्स लगाने एक एक। आप चाहो तो ब्लैक भी लगा सकते हो, ब्लैक के ऊपर ब्लैक भी लगा सकते हो। अगर इनकी नोकों के ऊपर नहीं लगाना तो आप इसके सेंटर में भी लगा सकते हो। तो आपने मुझे बताना है कि सेंटर में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं पल्स या इसकी नोक के ऊपर अच्छे लग रहे हैं या सादा बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जो भी हो आपने मुझे अपनी राय का इजहार कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, अब इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको मजीद कुछ पूछना है या सीखना है तो आप सीख सकते हैं। मैंने आपको बहुत आसान करके लैस लगाना सिखाई है, लैस का डिज़ाइन बनाना सिखाया है। इसे हम गुम सिलाई नहीं कहेंगे क्योंकि ये गुम सिलाई के साथ नहीं है, इसका एक्स्ट्रा पार्ट नीचे की तरफ है। ये उन लोगों के लिए है जिनसे लैसेस संभलती नहीं है। अगर आप लोग गुम सिलाई के साथ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी सिखा दूंगी। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मौजूद हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डिज़ाइन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।